हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे HSSC हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 पोस्ट JSC एंड कैटेगरी नंबर 1। देखो भाई, कैटेगरी नंबर 2 ALM, कैटेगरी नंबर 13, कैटेगरी नंबर 16, कैटेगरी नंबर 26, कैटेगरी नंबर 4 सब का ज्वाइनिंग होने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपके ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी भर्ती को कैंसिल क्यों किया जा रहा है? अगर भर्ती कैंसिल ही करनी थी तो एडवर्टीजमेंट डाला ही क्यों? किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने में 1 साल लग जाता है, ठीक है। और अगर एवरेज है स्टूडेंट्स तो 1 से 1.5 साल लगा के चलो। फाइनल रिजल्ट आने के बाद इनको लगता है कि भाई हमें भर्ती कैंसिल करनी चाहिए। अरे भर्ती कैंसिल ही करनी है तो रिटर्न टेस्ट लिया तभी बोल देते कि रिटर्न टेस्ट में ही हम भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट निकालनी तो सबसे बड़ी गलती है। 146 पोस्ट की बात है, ठीक है। कट ऑफ का आपको पता ही है भाई, कितनी हाई कट ऑफ गई थी। तो ये देखो कि आपकी मेहनत, आपका जहाँ पे सेंटर आया था वहाँ जाने के पैसे, आपने एप्लीकेशन अप्लाई फॉर्म फिल किया उसके पैसे, प्लस इतना पैनिक झेल रहे हो लगातार 1-1.5 महीने से, वो चीज़ वापस कर पाएगी क्या सरकार या वो विभाग जो कि DHBVN कह रहे हैं कि हमें JSC की ज़रूरत नहीं है? बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा है कि हम आउटसोर्सिंग से, मतलब एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस तो ले सकते हैं लेकिन परमानेंट की नहीं ले सकते। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आउटसोर्सिंग से क्यों ले रहे हो रिक्वायरमेंट? अगर आपको ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को लो जो मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। गाइज, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि चंडीगढ़ पहुँचे हुए हैं CM हाउस के आगे, और वो लगातार वहीं पे बैठे हैं। जब तक उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक वो वहाँ से हिलने नहीं वाले। वो सिर्फ ये वाली चीज़ जो वो चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो, ये खाली उन्हीं लोगों की नहीं है। जब तक आप साथ नहीं दोगे तो आपका भी तो फ़ायदा है इसमें, आपका कोई नुकसान थोड़ी है। 2 साल से वेट किया है, 2019 की पब्लिकेशन है, आप देख सकते हो 2 साल थोड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे इन्होंने JSC की रिक्वायरमेंट डाली थी, देख लीजिए, कैटेगरी नंबर 1 146 पोस्ट ऑफ जूनियर सिस्टम इंजीनियर, यहाँ पर 146 पोस्ट की बात हो रही है। क्या इतने लोगों को बाहर करना जो लोग BTech करके, जो कि IT कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, MSc MCA करके, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक फाइनली पहुँचे हैं? देखो गाइस, फाइनल रिजल्ट आने पर और जब भर्ती कैंसिल हो, ऑब्वियसली जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती ये डिपार्टमेंट में हाथ में होता है डिपार्टमेंट के कि वो भर्ती कैंसिल कर सकता है। लेकिन वाजिब रीज़न तो दो, कम से कम ऐसा रीज़न दो जो शूटेबल हो। ये क्या रीज़न हुआ कि भाई हमें तो JSC की ज़रूरत नहीं है, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रख लेंगे। जब तक आप लोग वहाँ बैठे हुए लोगों का साथ नहीं दोगे तो हमेशा ना इस चीज़ में स्ट्रेंथ देखी जाती है कि कितने लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, कितने लोगों, क्या आपको जॉब नहीं चाहिए? प्लीज़ गाइस, उन लोगों का साथ दो और अपनी मुहिम चलाओ कि हमें सिलेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। भाई अब उनको सो के उठे हैं वो कि भाई हमें नहीं चाहिए भर्ती, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या वो हमारे वो 2 साल दे सकते हैं जिस वक्त आपने मेहनत की है? आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उनको आगे मौका ही नहीं मिलने वाला। तो जब तक आप लोग अवेयर नहीं हो गए इस चीज़ से तो कैसे होगा आपका? आप घर पे हो, जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको देखो, वो भी तो पूरा दिन वहीं पे रहते हैं। जब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, उनको भी लगेगा कि भाई ये चीज़ है, ये वैलिड है, ये अपना हक मांगा जा रहा है। किसी की भीख नहीं मांग रहे हो आप कि भाई आप किसी से भीख मांग रहे हो हमें दे दो, ये आपकी मेहनत का नतीज़ा है, आपको लेना ही होगा। यू हैव टू गेट, आपको लेना होगा, आपको मिलना चाहिए सीरियसली। और अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं तो वी हैव लास्ट ऑप्शन ऑफ द कोर्ट केस तो करना ही चाहिए आपको। प्लस सब लोगों को अलग अलग करना है, ये नहीं है कि 4-5 लोगों ने कोर्ट केस कर लिया तो जब ज्वाइनिंग होगी ना तो उन्हीं की होगी, आप लोगों की नहीं होगी।
ठीक है, सबको मिलके एक साथ करके तब ये मुहिम को पूरा करना है कि हमें अपना सिलेक्शन चाहिए। हमारी क्या गलती है इसमें, हमसे पेपर लिया गया, रिजल्ट में आए, फिर हमसे डीवी लिया गया, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ, और अब ऑफर लेटर पे ये चीज़ कर रहे हो, जबकि HSSC ने खुद कहा है कि हमने फाइल भेज दी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रीज़न नहीं दे रहा है। ये क्या बात हुई कि भाई हमारे पास कोई रीज़न तो है नहीं, लेकिन हम भर्ती कैंसिल करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट राइट, ये बिल्कुल गलत है। सीरियसली, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो ऑब्वियसली जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने मेहनत की है यहाँ तक आने में, एट एनी वे आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग काइंड ऑफ एल्स, लेकिन मेहनत तो हुई है हर चीज़ में। आप लोगों को एक साथ होना है, आप ज़रूर पहुँचो वहाँ पे, सोमवार को CM साहब से मिलना है, वो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई फाइनल रिजल्ट दे दिया और ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे कहते हैं कि हमें चाहिए नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको रिक्रूटमेंट को वापस लेना था तो रिटर्न एग्ज़ाम से पहले लेते, या रिटर्न एग्ज़ाम के बाद बोल देते कि भर्ती कैंसिल कर रहे हैं भाई किसी भी रीज़न से। गाइज, मेरी आपसे ये अपील है कि प्लीज़ उनके साथ बैठो, ताकि वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ पावर दिखे, वहाँ पे कैंडिडेट इतने हो कि भाई जिनको ज़रूरत है। 146 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 11/2019 के जो और भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी चीज़ में है, सेम एडवर्टीजमेंट में है। अब ये चीज़ आपके ऊपर पड़ गई है तो आने वाले और दिनों में भी सेम होगा, किसी ना किसी पोस्ट के लिए होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो भर्ती या कोई मजाक थोड़ी है कि भाई एक दिन का काम है, दो दिन का काम है, साल दो साल की मेहनत होती है, ऊपर से घर वालों की आस होती है, घर वालों पेरेंट्स को कितना बुरा लगता है और आप लोगों को कितना पैनिक मतलब दौर से गुजरना पड़ता है, ये हम सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ वो सोच सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हैं अपने सिलेक्शन के लिए। गाइस प्लीज़ आप साथ दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन चंडीगढ़ जा रहा है उन लोगों के साथ, कौन वहाँ पर अपना हक लेने के, ये आपका राइट है, ये आप कोई बैगर नहीं कर रहे हो कि मुझे बैग नहीं कर रहे हो मुझे भीख चाहिए, ये अपना हक मांग रहे हो और ये बिल्कुल राइट डिसीज़न है। जब कोर्ट केस होगा तो जवाब मांगा जाएगा डिपार्टमेंट से। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं थी तो वाई आर यू डूइंग इट, क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों डाला आपने एडवर्टीजमेंट, क्यों वैकेंट शीट का ब्यौरा डिटेल आगे दिया HSSC को, उसी के थ्रू तो एडवर्टीजमेंट निकलती हैं। तो मेरा जो सजेशन है, तो प्लीज़ गाइज आप जाइएगा और उन लोगों के साथ बैठिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा हौसला बढ़े और आप लोगों को देखकर उन्हें भी थोड़ी हिम्मत मिले। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो उन सब के साथ हूँ भाई जिन लोगों के साथ गलत हुआ, जो आपने पता है ना कि भाई ये जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो बाहर निकाले गए थे SO की पोस्ट के लिए या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए था, उनको निकाल दिया गया था, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल वालों की तो बहुत इनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन परमानेंट कैंडिडेट इनको चाहिए नहीं। जब इनको सैलरी देने से इतना ही डर लगता है तो रिक्रूटमेंट डालो ही मत, क्यों किसी का करियर वेस्ट कर रहे हो, क्यों किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो रिज़ाइन दे दिया है जहाँ पे वो पहले जॉब करते थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। गाइस प्लीज़ प्लीज़ आई अपील टू यू एंड आई सजेस्ट टू यू, प्लीज़ वहाँ पे जाइए और उन लोगों का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।